प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, यीशु मसीह तेरे लहू की जय। प्रभु तेरा धन्यवाद 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 हो, स्तुति हो, धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो, स्तुति हो प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, धन्यवाद 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 प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद 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 धन्यवाद, यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू की जय हो, पवित्र लहू की जय हो, पवित्र लहू की जय हो, पवित्र लहू की जय हो प्रभु तेरे पवित्र पवित्र सामर्थी जीवित लहू की जय हो, जीवित लहू की जय, जीवित लहू की जय, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, यीशु मसीह प्रभु 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 आपका धन्यवाद धन्यवाद हो, यीशु मसीह प्रभु आपका धन्यवाद हो, यीशु मसीह प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद हो धन्यवाद 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 हो प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद 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 प्रभु आपका धन्यवाद 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 हो धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हो, हालेलुया यहोवा कायम रखदा है, नेक मर्द दे कदमानू, नेक मर्द दे कदमानू, यहोवा करदा है पसंद, यहोवा करदा है पसंद, नेक मर्द जमीन मुबारक ये सूदे पर लानत है ओ कटे जा, जिकदियो डिग पेरी ना डिगया रहेगा, ना डिगया रहेगा, देओ दहत संभाल रहे, देओ दहत संभाल, खुदा बंद पाक खुदा
शुमार में मेरे गुनाह तो मेरे सर के बालों से ज्यादा है। हालेलुया। वो तमाम ऐ खुदावंद तेरे नूर के आगे नाजिल है। हालेलुया। खुदावंद अपनी शफकत से, अपने बड़े रहम से, अपनी गनी मोहब्बत से अपनी लौंडी की औलाद के गुनाहों को मिटा दे खुदावंद। आमेन जीसस। तू अपना फजल कर खुदावंद, आज के दिन तू अपने तख्त से अपने तालिबों की ओर देख खुदावंद, अपने तख्त से तालिबों की ओर देख, सहून से जवाब दे खुदावंद। हालेलुया। मेरी निजात के खुदावंद, मेरे बाप इब्राहिम के, इसहाक के, यकूब के खुदावंद, इसराइल के 12 कबीलों के खुदावंद, आसमानी लश्करों के खुदावंद, रबुल अफाज, तेरा नाम कितना अजीम है। मैं तो तेरे नाम की मदर सराई करूंगा, मैं तो तेरी हमद करूंगा और तेरे ही नाम के आगे झुक के तुझे सजदा करूंगा खुदावंद, क्योंकि तू मोहब्बत में गनी है। तूने मेरे गुनाहों और बदकारी के मुआफिक मुझे सिरा नहीं दिया है। जितना मगरिब से मशरिक दूर है उतने दूर तूने मेरे गुनाह कर दिए खुदावंद। तूने अपने बर्रे मेरे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर मेरे गुनाह लाद दिए। तूने मेरे गुनाहों से उसे लान तान कर दिया। तेरा शुक्र खुदावंद, तेरी मोहब्बत के लिए हालेलुया, तेरे रहम के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए खुदावंद। उसी खून से खुदावंद जो सलीब से बहता है, वही धारा जो खुदावंद पसली में मारे भाले से पानी और खून की धारा बनी, उससे दो खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद तेरे हजूर में यौम किपुर के दिन आते हैं ताकि तू हमारी दुआएं सुने, ताकि तू हमारी इल्तिजाओं की ओर कान लगाए, ताकि तू हमारी जिंदगियां धो डाले खुदावंद और हम पे रहम करे, हमारे पापों और बदकारियों के मुआफिक हमें सिला ना दे खुदावंद, बल्कि अपने बड़े नाम के कारण, अपने जलाली नाम की शान के कारण, अपनी बड़ी शफकत जो आसमानों से भी बुलंद है उसके कारण हम पे फजल कर। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद।
मैं अपनी जान से कहूंगा, ऐ मेरी जान, खुदावंद की इंतजामी कर। खुदावंद नू ओ देख दी रे आराम नल में दी जान। खुदावंद नू ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ।
और प्रभु इस करते नहीं खुदा उन लोग प्रार्थना जो लोग करते ने प्रभु इस करते हर एक रुके काम पूरे होने मेरे यहोवा आज का दिन साढ़े पश्चाताप नु कबूल कर अपने स्वर्ग राज मेरे यहोवा पिता परमेश्वर असी सचमुच अपनी गलतियां नु मैं मानदा हां खुदावन खुदा मैं अपने हर गुनाह अपने हर पाप नु मानदा तुहाडे अगे मेरे यहोवा खुदा और सचमुच खुदा मैं अपने हर गुनाह दा पश्चाताप तुहाडे अगे करदा मेरे यीशु मेरे गुनाहां नु क्षमा कर खुदावन मेरे परिवार ते इस घर ते रहम कर मेरे अब्बा पिता असी तुहाडे कोलो रहम नु मंगदे आ प्रभु असी तुहाडे कोलो दया नु मंगदे आ मेरे यीशु खुदावन तुसी महान हो खुदा खुदावन तुसी तरस नाल भरे हुए यहोवा पिता हो मेरे अब्बा पिता इस घर घर ते मेरे ते मेरे परिवार ते तरस कर मेरे यहोवा पिता दया कर मेरे यहोवा खुदा अपने दास नु सचमुच खुदावन बहुतायत नाल इस्तेमाल कर मेरे यहोवा जो असी उन्हां कोलों सीखिए प्रभु सचमुच साडे जीवन च उह काम करे खुदावन प्रभु तुहाडे वचन ते असी चलण वाले बनिए मेरे यहोवा सचमुच खुदावन दुनिया दीआं इधर उधर दीआं गल्लां ते नहीं बल्कि तुहाडे वचन ते असी खड़े रहिए खुदावन तुहाडे वचन दे अनुसार साडा जीवन होवे साडे जीवन दे द्वारा लोग सानू जाण सकन कि असी यहोवा नु मनण वाले लोग आ मेरे महान पिता मेरे यहोवा मैं तुहाडे अगे दुआ करदा मेरे यीशु इस घर दे लई अपने लिए अपने परिवार दे लई मेरे पिता साडे दिलां नु हृदयां नु खोल प्रभु साडे पश्चाताप नु कबूल कर मेरे अब्बा पिता सचमुच खुदावन अज दिन साडे नाल रह मेरे अब्बा साडे उत्ते दया कर रहम कर मेरी इस छोटी जी प्रार्थना नु सुनो कबूल करो मंगदा तुहाडे प्यारे बेटे यीशु मसीह दे नाम च आमेन मजबूत मेरा दिल है शौका दे नाल गावा तारीफ अपने रब दी तारीफ God.
हालेलुया धन्यवाद यीशु स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं तुम्हारी स्तुति करते हैं खुदावन अभी तेरे नाम में शुक्र करते हैं खुदावन तेरे नाम में धन्यवाद करते हैं खुदावन जिस जीवन में तुसाने मौका दिता खुदावन हालेलुया तेरे बेटे हाले सैमुअल के परिवार मिलकर खुदावन तेरी पाक दूरी बतीत करिए तेरे नाम में शुक्र करते हैं खुदावन खास कर खुदावन यम कीपर जो खुदावन हालेलुया तुसाने अपने लोगों नु खुदावन तुहाडे नाल अपने संबंध नु सही करन दे लई पिता रख्या खुदावन तेरे नाम नु शुक्र करदे खुदावन त्रदास दानियल कहंदा खुदावन अपने वस्त्र नी अपने मना नु फाड़ के मेरे कोल आओ खुदावन तेरे नाम नु शुक्र करदे आ खुदावन तुहाडे लहू द्वारा धो के तू सानू शुद्ध कर पाक साफ कर खुदावन साडे पितरां दे सारे गुनाहां नु परिवार के सारे गुनाहों तू खुदावन यीशु मसीह के वसीले माफ कर क्यों जो खुदावन ताड़ी बाणी बयान कर दी है समान दे थले पृथ्वी दे उत्ते यीशु राजा तेरे बगैर कोई दूजा मुक्तिदाता नहीं खुदावन यीशु राजा तुहाडे लहू दे विच मुक्ति है तुहाडे लहू दे विच शांति है तुहाडे लहू दे विच साडी पिता दे नाल मेल है खुदावन सांझ है खुदावन तेरे नाम नूं शुक्र करदे आ खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं आज खुदावन इस समय तुहाडे नाल कुछ समा असी खुदावन वचन दे राही खुदावन बतीत करना चाहते हैं खुदावन इस सारे समय नू महान पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण में लै खुदावन और इस घर के चारों पासे तुहाडे लहू दे बाड़े नू लगाउंदे आ खुदावन और मैं दुआ करना इस परिवार दियां तमाम जो भी जरूरतां हन खुदावन आप तेरे स्वर्ग में से आप मुहैया कर खुदावन किसी भी तरह का भी जो भी पारिवारिक जो भी कारोबारी जो भी काम इन्हां दा रुकिया खुदावन यीशु मसीह दे वसीले संपन्न होए खुदावन आप इन्हां दे आगे ओके इन्हां दी अगवाई कर खुदावन और खुदावन यीशु राजा धन्यवाद सर दुआ करदे आं तेरे दास विनोद कुमार ली परिवार दे लई सेवका लई खुदावन एक बड़ा बोझ तुहाडे वचन दे निमित दिता खुदावन के तुहाडे वचन नूं होर भी उन्हां तमाम स्थानां लोगां विच पहुंचाया जाए जिन्हां तक हले तुहाडी पूर्ण सच्चाई नहीं पहुंची खुदावन तेरे नाम नूं शुक्र करदे आं इन्हां दे लई तमाम रस्तियां नूं खोल खुदावन और तमाम जो भी सेवका संबंधी जरूरतां तेरे स्वर्ग में से मुहैया कर खास कर दुआ करना इन्हां दे खुदावन हालेलुया शरीर दे लई खुदावन महान परमेश्वर शरीर जो तुहाडा मंदर है खुदावन दुआ करदा तुहाडा रूह इन्हां दे जीवनां विच अधिकार सहित काम करे और खुदावन यीशु राजा तुहाडे लहू दी कुदरत इन्हां दे जीवन च काम करे हर इक तरह दे जो भी पेट दी इनफेक्शन है हर इक तरह दी जो भी बीमारी है तेरे वचन दे सामर्थ द्वारा आप दूर कीजिए खुदावन सचमुच खुदावन एक बड़ा मौजदा आप इन्हां दे जीवन विच कीजिए क्यों जो तू खुदावन साडा चंगा करने वाला यहोवा राफा है खुदावन दया कर अपना किल छिदा हाथ बढ़ा के तड़े दास नु पूरी पूरी अरोगता प्रदान कर कृपा कर और खुदावन इस वक्त ऑनलाइन माध्यम द्वारा भी होन दे नाल जुड़े तमाम तेरे तमाम लोगों नु तमाम तलौखरी दे लोगों नु तुहाडे लहू दे सहायता ले लेके आंदे हर कजन दे जीवन विच भी आज दा जीवन
आज का समा तुहाडी महिमा का कारण है खुदावंद। हालेलुया। हर एक तरह के गुर्जे गुनाह, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह के बंधन, हर एक तरह का अधर्म कुधर्म तेरे वचन के वसीले जहाँ तुहाडा दास तुहाडे द्वारा लेके आंदा खुदावंद उहदे वसीले टुटण खुदावंद। लोग तुहाडे सन्मुख सच्चा पश्चाताप करन क्यों जो खुदावन तू अपनी उस दुल्हन लेने आ रहा खुदावन जिदे विच कोई दाग जा तबा कोई झुर्री नहीं खुदावन। यीशु राजा इहदे लई तू सानू हर एक जंद लई तैयार कर खुदावन, मदद कर, सहायता कर खुदावन। हालेलुया। सारा जलाल तुहाडे नाम नू दिंदे आ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सवार होकर ऊपर से उतरेगा, ऊपर से उतरेगा, आएगा सवारों
से भरता है, बाती को जो जल गई आगे से उसे काटता है ताकि रोशनी बढ़ती जाए, और दूल्हा की इंतजारी करता है। खुदावंद, इस समय कलीसिया भटक रही है, कलीसिया दूल्हा की प्रतीक्षा नहीं कर रही, कलीसिया पवित्र जीवन नहीं जी रही, कलीसिया सक्रिय पथ पे नहीं चल रही, कलीसिया भोग विलास से भरी है, संसार संसार के गंदे काम कलीसिया के अंदर घुस के कलीसिया को भ्रष्ट कर रहे हैं, झूठे सेवक झूठी शिक्षाएं दे रहे हैं, बहुत से सेवक अपने नाम को ऊंचा कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लोगों के दिलों में अपने आप को बिठा रहे हैं, धन दौलत के लोभ ने प्रभु जी घुन की तरह खा लिया सेवकों के जीवन। इसी की वजह से शैतानी आत्माएं काम कर रही हैं और जंतु उठ रहा है तेरे लोगों का दमन करने के लिए। हे परमेश्वर, तेरे सच्चे राह सिखा, तिन खादमों की आंखें खोल जो मदिरा इन्होंने पी है, दौलत की मदिरा, संसार के भोग विलास की मदिरा, वो घमंड बन के इनके सर पे चढ़ी हुई है खुदावन, अपनी सफलता के नशे में चूर है ये खुदावन। इस शहर के अंदर ऐसा हो रहा है, मैं तेरा खादम इस शहर में आया हूं खुदावंद, तेरा तालिब तेरा मुश्ताक, मैं दुआ मांगता हूं ये तिलिस्म तोड़, ये जादूगरी टूने का तिलिस्म जलंधर में तोड़ खुदावंद, तेरी भेड़ों को आजाद कर ताकि तेरी भेड़ें उन गडरियों के पास जाए जो खुदावंद तेरे मखसूस की है, तेरे दिल के मुआफिक गडरी है, जो तेरी भेड़ों को हरी हरी चारा गांव में चलाई, सुखदाई जल के सोतों के पास ले जाए, अभिषेक के तेल से मसा करे, तेरी भेड़ों की सुधी ले, उनके जख्मों पे मरहम लगाए, उनके घावों को चंगा करे, उन्हें झाड़ियों से निकाले ताकि तेरी भेड़े रिष्ट पुष्ट हो, ऐसे गडरिए भेज बताओ, तेरा धन्यवाद। आज यौम की पुर के दिन खुदावंद हम अपने आप को तेरे चरणों में डालते हैं, हम अपनी बदकारियां अपने पाप अपने गुनाह तेरे आगे अंगीकार करते हैं, दया कर खुदा, खुदावंद माफ कर, हमें मुझे माफ कर, मेरी हर बदकार हर गुनाह बदले की बेहद लोगों से को, आज यौम की पुर के दिन खुदावंद तू स्वर्ग में किताबें खोलता है, तू लेखा जोखा करता है, खुदावंद मेरे अधर्म भरने को कौन से मिटाए जाए, खुदावंद आज के दिन तू याद करता है धर्मी लोगों को, काश खुदावंद तू मुझे याद करे, मेरा नाम मेरे घराने को याद करे,
हालेलुया। खुदावन जितनी भेड़ें तूने मेरे को दी हैं इस देश में, दुनिया के मुख्तलिफ देशों में जितने लोगों को जोड़ा है, खुदावन तूने याद करे आज के दिन। मैं तेरा तालिब, तेरा खादम दुआ मांगता हूँ उन सबके लिए कि तू उनकी और दृष्टि करे, उन्हें देखे खुदावन और उनका नाम लेके उन्हें बुलाए। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, तेरा कलाम कहता है कि तूने हमारी बदकारियों की मुआफिक हमें सिला नहीं किया, बल्कि जितना पूरब से पश्चिम दूर है, मगरब से मशरिक दूर है, उतनी दूर तूने हमारे गुनाह कर दिए। आज यौम किपुर के दिन हमारी सुधि ले, हमें क्षमा कर, हमें चंगा कर, नरोआ कर। खुदावन तेरा कलाम कहता है चोर ने जितना चोरी किया है उसको उसका 7 गुना वापिस करना पड़ेगा। खुदावन जो चुराया शैतान ने मेरे जीवन से, इस घर में जितने अजीज हैं इनके जीवन से जो शैतान ने चुराया है, आज मैं यीशु के नाम में क्लेम करता हूँ। मैं तेरी हेवनली कोर्ट में क्लेम रिट देता हूँ खुदावन, पिटीशन डालता हूँ, 7 गुना वापिस लौटा। यौम किपुर के दिन 7-fold anointing, 7-fold recompense, 7-fold compensation, may you send from heaven, O God of my father Abraham, Isaac and Jacob, O God who sits enthroned on the cherubim, God of glory, might and power, for Yod-Heh-Vav-Heh is your name, Hashem Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, Hashem Adonai, Yod-Heh-Vav-Heh, for your blessed name, Hashem is Hayah, Asher Hayah, Hashem Hayah, Asher Hayah, Hashem Adonai, Hayah, Asher Hayah. May you hear from heaven, Lord, may you bend your ear, may you hearken unto the cry of your servant this day. Dispatch angels. Dispatch angels. Set everything right. Heal sick bodies. Lord, let healing flow in the name of Yahusha. Khudavan, miracle working power ko release kar. Amen. Hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं, तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं। Jesus. खुदावन जितने लोग इस समय ऑनलाइन तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं, मैं एक एक जन को, उनके घरानों को, परिवारों को तेरे खून में छिपाता हूँ। प्रभु जी, भाई सैमुअल आशीष के घर को, उनकी पत्नी को, इनके 3 बच्चों को तेरे खून में छिपाता हूँ। धन्यवाद। खुदावन जो इनके दिल में इल्तजा है, बेनती तेरे आगे, वो मौजा इनके लिए कर दे खुदावन, अपना राइट हैंड बढ़ा के कर दे खुदावन। मैं तेरा खादम मिन्नत करता हूँ कि वो मौजा कर दे और इस भाई के लिए रास्ते खोल दे। आज यौम किपुर के दिन ये प्रार्थना बखूर की तरह तेरे आगे जाए खुदावन, और तू हेवन से अप्रूवल की मोर लगा दे खुदावन। हालेलुया, तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे जलाली नाम में इस दुआ को मांगते हैं। कुछ नहीं ठीक करिए, बस आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़े लेवी व्यवस्था, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय का 26 वचन पढ़ो, लेवी व्यवस्था 23:26 से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन, आज 7वें महीने का 10वां दिन है ज्यूइश कैलेंडर के मुआफिक, कितना कितना दिन है, 7वें महीने का 10वां दिन है। और आगे पढ़े, जो प्रायश्चित का दिन माना जाए, कौन सा दिन माना जाएगा, पश्चाताप, पश्चाताप का दिन माना जाएगा। हालेलुया, डे ऑफ अटोनमेंट, हिब्रू भाषा में यौम किपुर, किपरोथ किसे बोलते हैं, किपरोथ या कफारा, उसी से निकला शब्द है, जो ऐद के संदूक के ऊपर ढक्कन है
उसे प्राश्चित का ढक्कन कहा गया है, जिसके ऊपर खून डाला जाता है, जिसके ऊपर ऐसे करुबीन बने हैं, वो किप्रोथ है, किपुर, किपरीन, जहां पे प्राश्चित होता है, और प्राश्चित होता है खून के द्वारा, बगैर खून बहाए पापों की माफी नहीं है। हालेलुया। तो हम कहां पहुंचते हैं आज के दिन? हम पहुंचते हैं खून के पास, जो आपके और मेरे छुटकारे के लिए बहाया गया है। तो ये दिन है प्राश्चित का दिन, किपरीन, योम किपरीन। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। कौन सा दिन है ये? पवित्र सभा, पवित्र होली कन्वोकेशन, पवित्र कन्वेंशन का दिन है ये। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए पवित्र सभा का दिन होगा। आगे पढ़ो, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। क्या करना है? अपने प्राणों को, प्राणों को दुख देना, उपवास के द्वारा विलाप करके प्रभु के आगे आना है, ताकि प्रभु हमारे अधर्म पापों को क्षमा करे। ये जो दिन है, दो दिन ये, आज और कल का, और इससे पीछे आठ दिन, इन्हें कहा जाता है द डेज ऑफ ऑल, टेन डेज। ये दस परीक्षा के दिन है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है पृथ्वी के ऊपर सबसे कठिन दस दिन ये आते हैं, योम किपुर से पहले के दस दिन जो हैं बहुत कठिन दिन है परीक्षा के। और इन दिनों में पृथ्वी के ऊपर बहुत बहुत बुरी बुरी घटनाएं घटी हैं, बहुत बुरी बुरी घटनाएं, क्योंकि लोग परमेश्वर के आगे पश्चाताप नहीं करते। इन दिनों में परमेश्वर स्वर्ग में अपने स्वर्गदूतों को आदेश देता है, वो पूरी दुनिया की किताबें लेके आते हैं प्रभु के आगे, वो किताबें खोली जाती हैं, उन लोगों की जिंदगी का लेखा जोखा। अगर कोई व्यक्ति प्रभु के संग सही नहीं चला, बेवफाई की, बैकस्लाइड हुआ, पाप में जिया, पर वो व्यक्ति इन दस दिनों में तौबा करता है, अपने आप को ऐसे मारता है, अफ्लिक्ट करता है, और तौबा करके प्रभु के पास आता है, तो प्रभु उसके ऊपर दया कर देता है, परमेश्वर अपना मन बदल लेता है। हालेलुया। तो इन दस दिनों में यहूदी लोग अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं। आठ दिन तो चले गए, अभी सिर्फ दो दिन बाकी हैं। ये सबसे हाई होली डेज है, द मोस्ट सेक्रेड डेज। तो प्रभु क्या कहता है इसमें? प्रभु कहता है तुम अपने आप जान को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, हव्य चढ़ाना, हव्य चढ़ाना, एक बलि चढ़ाई जाती है यहोवा के लिए। यहोवा कहता है वो बलि चढ़ाना। अब आप सुनोगे कुछ प्रचारक जो प्रभु का वचन नहीं जानते, जिनको प्रभु के वचन की समझ नहीं, वो आपको बोलेंगे कि ये तो पुराना नियम है, प्रभु यीशु मसीह ने सारी कुर्बानियां पूरी कर दी, अब हमें इनको किसी को भी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने सब खत्म कर दिया काम, यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, सब खत्म हो गया। अब वो लोग परमेश्वर के वचन को गहराई से नहीं जानते, समझे आप, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, किताबों से बातें, इंटरनेट से सीख लेते हैं, और वो परमेश्वर के वचन का सही खुलासा लोगों को नहीं बताते, इसलिए लोगों को पता नहीं लगता वचन के बारे में। अब पढ़े आप इसी का 23 अध्याय, 23 का यही जो पढ़ रहे हो, 23 की यहोवा ने, नहीं पहली ऐसे पढ़ो, 23 की पहली ऐसे, इसी का 23 अध्याय। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर कौन कह रहा है? डायरेक्ट यहोवा बोल रहा है मूसा से। और आगे बोलो, इसराइलियों से कह, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुम को पवित्र पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। आप सुनो, धीरे धीरे पढ़ो उसी आयत को, शुरू से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा मूसा से बात कर रहा है, आगे, इसराइलियों से ये कह, मेरी कौम को सिखा, जैसे मैं आपको परमेश्वर की कौम को बता रहा हूं, मेरी कौम को ये सिखा कि यहोवा के पर्व, हाँ, जिनका, इसके पर्व है, यहोवा यहूदियों के पर्व नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये यहूदियों के पर्व है, ये रस्म रिवाज खत्म हो गए,
लेकिन ये यहूदियों के पर्व नहीं है, किसके हैं? यहोवा। हालेलुया। यहोवा का पर्व कभी भी खत्म नहीं होता। जो चीज यहोवा की ओर से निकलती है वो अनंत होती है। ये पर्व है किसके? यहोवा के हैं। लेकिन इसराइलियों ने क्या किया, यहूदियों ने, उन्होंने यहोवा को बीच में से निकाल दिया। आज भी ईसाई लोग कौन से पर्व मनाते हैं जो यहोवा के नहीं है? वो यहोवा के पर्व नहीं जो मनाते, क्रिसमस का तारा टांगते हो और पेड़ सा लगा देते हो घर के अंदर, वो यहोवा के पर्व नहीं है। जो यहोवा के है उसको कलीसिया ने त्याग दिया 325 एडी में, कॉन्स्टेंटाइन के समय, जब रोमन कैथोलिसिज्म पैदा हुआ। वो सच्ची शिक्षा चली गई और झूठी शिक्षा कलीसिया के अंदर आ गई। ये जो यहोवा के पर्व थे, यहूदियों ने यहोवा को निकाल दिया। और पढ़ो, यहाँ पे वापस आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 2 वचन पढ़ लो, यूहन्ना 7 का 2, यूहन्ना नहीं नियम, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 2 वचन। यहूदियों का छोपड़ियों का पर्व निकट था। अब किसका पर्व लिख रहे हैं यहाँ पे? यहूदियों का। जैसे आज चर्चों से, कलीसियाओं से परमेश्वर को निकाल दिया है और ईसाई अपने धर्म के प्रोग्राम मना रहे हैं। प्रभु क्या कहता है कि उन्होंने मुझे त्यागा। पढ़ो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13-14 वचन पढ़ो जल्दी से। 2:13-14 वचन। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं। कितने पाप किए मेरी प्रजा ने? दो बुराइयां। दो। आगे पढ़ो। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। किसको त्यागा है? बहते जल, जिंदगी के चश्मे को त्याग दिया उन्होंने। जो जिंदगी का बहता दरिया है यहोवा, उसको त्याग दिया। और उन्होंने क्या किया? और उन्होंने होद बना लिए, पौधे बना लिए अपने घर में। ये है यहूदी धर्म, ये है ईसाई धर्म। यहोवा बहता चश्मा है। उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत है, हम अपने पौधे बना लेते हैं। और उन पौधों के अंदर अगर आपने कोई हौद बनाया है उसमें आप पानी डालते हो तो वो पानी सड़ जाएगा, उस पानी में कीड़े पैदा होंगे, उस पानी में बदबू आएगी, क्योंकि वो बहता झरना नहीं है। ये है धर्म इंसान का। इसराइलियों ने, यहूदियों ने यहोवा को धर्म में बदल दिया। यहोवा के पर्व हाईजैक कर लिए। यहोवा के पर्व किसके पर्व बन गए? यहूदियों के। प्रभु को निकाल दिया बीच में से। प्रभु कह रहा है मेरे को त्यागा उन्होंने, पौधे बना लिए अपने धर्म के। और आगे पढ़ो। वरन ऐसे हो जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। टूटे हुए हौद हैं इनके धर्म के, संस्कारों के, रीति रिवाजों के, परंपराओं के, जो वचन में है ही नहीं। तो यहोवा की जो होता क्या है कि जैसे आप अपने शहर में जानते होंगे कि वो सेवक थे जिन्होंने साइकिलों पे या टूटे स्कूटरों पे सेवा शुरू की थी। ऐसे जाते थे लोगों के घर में, दो दो चार चार लोगों को सिखाते थे वचन, तो चार चढ़ता था उन्हें, घूम घूम के सेवा करके आनंद मिलता था। आज वो कहते हैं हम लोगों से मिलेंगे नहीं, क्योंकि अगर लोगों से मिलेंगे तो हमारा अभिषेक कम हो जाएगा, अगर प्रार्थना करानी तो 50,000 देने पड़ेंगे, अगर दूसरी स्पेशल प्रेयर करानी है तो 1,00,000 रुपया लगेगा, अगर हमारे खास पार्टनर बनना तो 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। समझ रहे वो कहां से गिरे हैं? आप कहीं के आगे उनकी जर्नी होगी सामने, जो यात्रा उन्होंने की है। ऐसे शैतान काम करता है। जो व्यक्ति जहां से उसने शुरू किया आज भी वही है, वो सच्चा खादना खुदा था, क्योंकि उसको ना तो दौलत का नशा चढ़ा, ना कामयाबी सफलता का नशा चढ़ा। और जो बहुत लोग आ गए, ओ पापा जी डैडी जी बोल रहे, उसको उसकी कोई परवाह नहीं हुई, वो प्रभु में मगन है। हालेलुया, प्रभु को निहारता है। उसे घमंड नहीं है कि पुलिस भी मेरे साथ है, प्रशासन भी मेरे साथ है, लोगों की ताकत भी मेरे साथ है, मेरे पास इतना पैसा है, इन चीजों पे गुरूर नहीं करता हूं। वो केवल प्रभु की ओर टकटकी लगा के प्रभु को निहारता है। इसराइली लोग
इन्होंने ये होगा कि संघ रिश्ता नहीं रखा जो डेली रिश्ता चाहिए था, इन्होंने यहूदी धर्म बना दिया। ये पर्व किसके थे? यहोवा के। पढ़ो 23 अध्याय लेवी व्यवस्था, इसके पहले वचन से फिर से पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से क्या है कि यहोवा के पर्व, इसके पर्व यहोवा के पर्व के लिए जो शब्द है हिब्रू भाषा में, वो शब्द है मोआदीन, मोएड, और वो शब्द कहाँ इस्तेमाल हुआ? उत्पत्ति 1:14 में परमेश्वर ने सूरज को बनाया और चांद को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि ये सूर्य और चांद इनके द्वारा समय पैदा होंगे, ये दिन और रात पैदा करेंगे। सूरज के घूमने से दिन और रात पैदा होंगे, रात को चांद आएगा, दिन और समय के लिए भी वही शब्द है। तो ये कितनी अलौकिक बात है, प्रभु ये कहता है ये जो पर्व है ना मेरे, ये 7 पर्व है, इतने हैं 7। सबसे पहला पर्व है फसा का, जब मेमना कुर्बान किया गया। हमारा फसा का मेमना कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। उसके बाद है अखमीरी रोटी का पर्व, जब बिना खमीर की रोटी खाई जाती है। फिर तीसरा पर्व कौन सा है? तीसरा पर्व है पहला फल, जब लोग फूले काटते हैं और पहला फल यहोवा को चढ़ाते हैं। तो ये 3 पर्व, खुदावंद यीशु मसीह फसा का लीला बन के मर गया, खुदावंद यीशु मसीह अखमीरी रोटी है, वो रोटी तोड़ता अपने चेलों को देता और कहता है ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, हालेलुया। तो अखमीरी रोटी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह अखमीरी रोटी है, हालेलुया। और फिर क्या लिखा वचन के अंदर? मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह पहला पूरा बनता है, पिता के आगे जाता है। मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। तो 3 पर्व यीशु मसीह ने पूरे कर दिए जब वो आया, फसा, अखमीरी रोटी और पहला फल, फर्स्ट फ्रूट। आग कुरीम कहते हैं उसको, आग मजा कहते हैं, और पिशाक कहते हैं, 3 पर्व। अब चौथा पर्व आगे कौन सा है? पंतेकुस का पर्व। तो अपने चेलों को कहता है जेरूशलम ना छोड़ना, मैं पिता से मिन्नत करूंगा वो पवित्र आत्मा ले लेगा, जैसे बारिश आती है ना बरसातों में, ऐसे ही होगा पवित्र आत्मा ले लेगा। तो यीशु मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठा, तो वो लोग 40 दिन मुर्दों में से जी उठ के उनके संग रहा, और 10 दिन उन्होंने प्रार्थना की, 40 और 10 50। 50 को ग्रीक भाषा में बोलते हैं पेंटाकोस्टा, 50वें दिन पवित्र आत्मा उतर आया। कितने पर्व पूरे हो गए? 4, फसा का, अखमीरी रोटी का, पहले फल का और पंतेकुस का। अब 5वां पर्व कौन सा है? तुरियों का पर्व, तू 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 तुरी को की जाती है। तो कलाम में क्या लिखा है? कि कलाम में लिखा है परमेश्वर प्रधान दूत की ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा, बादलों पे आएगा, और प्रधान दूत तुरी फूकेगा, आखिरी तुरी फूकते क्या होगा? सारे मुर्दे विनाशी दशा में जी उठेंगे, और हम जो जीवित होंगे हम बदल जाएंगे, और हवा में प्रभु से मिलने के लिए। तुरियों का पर्व 5वां पर्व है। तुरियों के पर्व के बाद 6ठा पर्व कौन सा है? तुरियों के पर्व के बाद 6ठा पर्व है योम किप्पुरीम, प्रायश्चित का पर्व। ये पर्व जब यहूदी लोग 7 साल के सताव में से गुजरेंगे, कलीसिया ऊपर चली जाएगी, यहूदी लोग पृथ्वी पे 7 साल दुख भोगेंगे, प्रकाशित वाक्य और दानियल नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पर्व आने वाला है तुरियों के पर्व के बाद, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। कौन सा पर्व? प्रायश्चित, जब लोग प्रभु के आगे तौबा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है पवित्र सभा करना और मेरे आगे कुर्बानी चढ़ाना। इस दिन क्या करना है? प्रभु को कुर्बानी चढ़ाना। अब कुर्बानी के बारे में हम कुछ देखें, पढ़े जबूर की पोथी 50 जबूर, उसकी 13 आयत पढ़ो जल्दी से, 50 जबूर की 13 आयत।
शाम क्या मैं बैल का मांस खाऊं? प्रभु कहता है तुम मुझे बैल चढ़ाते हो, तुम मुझे बकरे छतरे चढ़ाते हो, तुम मुझे डंगर चढ़ाते हो, तो तुम क्या सोचते हो कि मैं डंगरों का मीट खाऊं? और आगे पढ़ो, या बकरों का लहू पीऊं, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर बकरे छतरे मेमने डंगरों की कुर्बानी और जानवरों के लहू से खुश नहीं हुआ। पढ़ो इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 3 वचन से, इब्रानियों 10 के 3 से पढ़े, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 3 वचन। परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का पापों को स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैल बकरे छतरों का लहू पाप धोता नहीं है, केवल पापों को ढक देता है। जैसे मैं चादर डाल दी ना मैट के ऊपर, ये मैट बेशक गंदी भी हो नीचे से, अब हमें गंदा दिख नहीं रहा, ऊपर क्या डाल दिया चादर। ऐसे जानवरों का लहू पाप ढकता था एक साल के लिए, फिर कुर्बानियों की जरूरत पड़ती थी। जानवरों का लहू इंसान के लहू से घटिया है, इसलिए डंगरों का लहू बंदे को चढ़ता नहीं है। परमेश्वर ने क्यों जानवरों का लहू कबूल कर लिया पाप ढांकने के लिए? क्योंकि जानवरों ने पाप नहीं किया, पाप किसने किया? इंसान ने, इंसान ने किया। इसलिए जानवरों का लहू रब दे मोरे आज भी निर्दोष है। इंसान पापी है, इंसान बंदा बंदे के संग जना करी करता है, जनानी जनानी के संग करती है। आपने डंगरों को देखा कभी ऐसा करते? देखा कभी नहीं। वो यहोवा के भय में जीते हैं, जो प्रकृति के नियम यहोवा ने सिखाए हैं, बेशक वो जानवर हैं, वो तब भी नहीं तोड़ते। अब देखें इंसान जानवर से भी कितना गिरा हुआ है। पाप का ब्याज देता है डंगरों का लहू, मूल तो उठ ही खड़ा है, सिर्फ ब्याज की पेमेंट हो रही है, समझ रहे आप? तो प्रभु कहता है जानवरों का लहू नहीं कर सकता ये काम। पढ़ो आगे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह की बात हो रही है, जब यीशु मसीह स्वर्ग से मरियम के पेट में आ रहा है तो क्या कहता है यीशु मसीह? बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। बलिदान डंगरों के जानवरों के परमेश्वर खुश नहीं हुआ, तो परमेश्वर ने एक शरीर बनाया, पवित्र शरीर मरियम की कोख में, आदमी औरत के मिलन से नहीं बना वो शरीर, वो शरीर पवित्र आत्मा ने बनाया। हालेलुया, जलाली शरीर। और आगे पढ़ो क्या लिखा है, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। कभी प्रसन्न नहीं हुआ जानवरों की बलियों से, बकरों छतरों मेंढकों की बलियों से प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। और आगे पढ़ो, तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है देख मैं मरियम की कोख में आ गया हूँ, शरीर लिया मैंने, ये शरीर चढ़ाया जाएगा तेरी मर्जी पूरी करने के लिए। हालेलुया, यीशु मसीह का पवित्र शरीर और यीशु मसीह का जलाली खून इंसान की उम्मीद है, हमारी आशा है, हमारे जीवन का धुरा है, हमारे जीवन की बुनियाद है यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का जलाली शरीर, जो क्रूस के ऊपर लान तान किया गया, कुचला गया, छलनी छलनी कर दिया गया आपके और मेरे लिए। वो आपके शरीर को मेरे शरीर को नुरवा करता है, वो आपकी आत्मा और मेरी आत्मा के अंदर जीवन फूंकता है। यीशु मसीह का पवित्र शरीर उसने चढ़ा दिया प्रभु के आगे। अब हमने क्या करना है? यानी कहना कि प्रायश्चित के दिन बलिदान चढ़ाओ। कौन सा बलिदान? पढ़िए रोमियों की पत्री 12 अध्याय उसके दूसरे वचन से, जल्दी से पढ़ो रोमियों 12 अध्याय के दूसरे वचन से। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या चढ़ाना है परमेश्वर को? जीवित पवित्र शरीर अपना रोज, ये जिंदा होना चाहिए। अगर आप पाप
करोगे ना शरीर में मर जाएगा, फिर परमेश्वर को नहीं चढ़ा सकते आप। फिर आप किसको चढ़ाओगे? जब पाप करोगे शरीर मर जाएगा, तब आप अपने शरीर की बलि किसे चढ़ा रहे हो? इबलीस को, शैतान को। उसको चाहिए पाप में मरा हुआ शरीर, परमेश्वर को चाहिए जीवित शरीर। जीवित पहले शरीर आपका जिंदा होता है, उसके बाद पवित्र होता है, फिर आखिरी स्टेज है परमेश्वर आपकी देह से प्यार करता है। ये मत सोचिए कि आपके शरीर का कोई मोल नहीं है। जब आप पवित्र 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 जीवन जीते हैं तो परमेश्वर आपके शरीर से प्यार करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये होवा शरीर में क्या करता है? वास करता है। प्रभु यीशु कहते हैं पत्रस पलूस कुरिंथियों पत्री में लिखा है, जो परमेश्वर के मंदिर का नाश करेगा उसका नाश कौन करेगा? यहोवा उसका नाश करेगा। हालेलुया। इसलिए मंदिर ये है, मंदिर बिल्डिंगे नहीं है जो पादरी बना रहे हैं। वचन में लिखा सुलेमान ने प्रभु के लिए भव्य मंदिर बनाया, तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंसान के बनाए मंदिरों में वास। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा तो बदलना। तो इसे जीविता मन भावता और पवित्र बलिदान करके प्रभु को रोज चढ़ाना है। और फिर क्या बलिदान देना है हमें प्रभु को? इब्रानियों 13 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। इब्रानियों 13 का 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। क्या परमेश्वर चाहता हम चढ़ाएं? यौम किपुर के दिन कुर्बानी देनी है। कौन सी? फिर से पढ़ो इसे। इसलिए हम उसके द्वारा, उसके द्वारा किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। आगे स्तुति रूपी बलिदान। कैसा बलिदान? स्तुति का। हालेलुया। बलिदान किसे चढ़ाना है? यहोवा पिता को चढ़ाना है यीशु मसीह के मार्फत। और आगे पढ़ो। अर्थात उन होंठों का फल। किन होंठों का फल? आगे पढ़ो। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। ये हमारे जो होंठ है और हमारा दिल जो यीशु मसीह का अंगीकार करता है, उसकी परस्तिश करता है, इसका फल चढ़ाना है प्रभु। हमने केले सेब संतरे नारियल लेके नहीं आना, इसका फल चढ़ाना है। हमारे होठों से कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट जलन के हसद के शब्द नहीं निकले थी। मारे गए लुटे गए ये नहीं किया प्रभु ने, वो नहीं किया साडे लिए, की करिए किदां करांगे मंदा लगा मर गए कुछ नहीं कर, ये नहीं बोलना हमने। हमने बोलनी शुक्रगुजारी। हालेलुया हालेलुया। एक मसीह दूसरे मसीह से जब मिले उसको बोले होर की हाल है, तो दूसरा आगे मसीह बोले की करिए जड़ी कड़ी लंघे चुनगी, या बोले वो बोले जी क्या हाल है, वो बोले बस जी दो टाइम की रोटी मिल रही है। ये बातें दुनिया के लोग बोले, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लोग होठों से शुक्रगुजारी। जब प्रभु का बंदा इस दूसरे प्रभु के बंदे को मिले और पूछे क्या हाल है, तो वो कहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई दुर्घटना नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु को होठों का बलिदान चढ़ाना है हमने, वो होंठ जो प्रभु का नाम लेते हैं। और एक वचन और पढ़ो, होशे नबी की पुस्तक 14 अध्याय का 2 वचन। होशे 14 का 2 वचन। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा साढ़े नौ गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। नहीं, मोशे बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर। सॉरी, 14 का लो, मोशे 14 का। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर। हालेलुया। क्या कह रहे हो? प्रभु मेरा धर्म मेरा पाप दूर कर दे और
बंधन दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। तब हम क्या करेंगे? धन्यवाद रूपी बलिदान। असली भाषा में आपको मालूम क्या लिखा है? असली भाषा में लिखा है तब हम अपने होठों के बछड़े तुझे चढ़ाएंगे। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है। Then we shall offer unto you the calves of our lips. ये बछड़े चढ़ाएंगे, होठों से जो बछड़े निकलते शुक्रगुजारी के बछड़े तुझे चढ़ाएंगे। हालेलुया। 29 अध्याय गिनती की किताब निकालो। गिनती किताब 29 अध्याय और हम पढ़ लें इसका 7 वचन से। गिनती 29 का 7। फिर उसी सातवें महीने के दसवें दिन दिन को तुम्हारा तुम्हारी पवित्र सभा हो, तुम अपने अपने प्राण को दुखी देना दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना काम नहीं करना आगे और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि अर्थात एक बछड़ा एक मेंढा और एक एक वर्ष के 7 भेड़ के नर बच्चे चढ़ाना और फिर ये सब निर्दोष निर्दोष बलियां चढ़ानी है यहाँ पे जो लिखी है। लेकिन मैंने क्या आपको बताया 14 की 2 में ओठों के बछड़े चढ़ाएंगे होगा। हालेलुया। धन्यवाद शुक्रगुजारी परमेश्वर की करें। और पढ़ो आगे इसका 9 वचन। और उनका अन्न बलि तेल से सने हुए मैदे का हो अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10 अंश और मेढे के साथ एपा का 2/10 अंश और 7 भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे के पीछे एपा का 10 अंश मैदा चढ़ाना और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। ये प्रोसेस है इस दिन का। तो इस दिन में हमने क्या करना है? हमने अपने होठों का बलिदान हुआ कुछ बनाना है और अपने अपराधों का अंगीकार करना है, अपने पाप दादों के पापों का अंगीकार करना है ताकि परमेश्वर आज हमें याद करे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन को ले और हमारा नाम आइए प्रार्थना। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये दिन अति पवित्र दिन है प्रभु। जितने लोगों ने आज उपवास रखा है प्रभु जी, जो अलग अलग जगह से हमारे संग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आशीषित करना प्रभु। तेरा वचन, तेरा जिंदा वचन लोगों के दिलों में घर करे और आज के दिन अपने होठों के बछड़े तुझे अर्पण करें खुदावर। मैं एक जन के लिए जो ऑनलाइन कनेक्ट है प्रार्थना करता हूँ, उनके घर परिवारों के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनकी जिंदगी की बाधाएं प्रभु जी तू दूर कर, जंजीरों को तोड़, बंधनों को तोड़, लोगों को कैद से रिहाई दे खुदावर। आज खुदावर ये दिन बड़ा खास हो, हम उपवास की प्रार्थना में तेरे आगे ठहरे रहे और तेरे जलाली नाम को पूछा करें। और भी जो हम प्रार्थना सब आज के दिन में करें प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की हजूरी लिंगर करें हमारे भरपूरी से, बल्कि जुम्बश करें। तेरा धन्यवाद। एक बार फिर हम इस घर को भाई आशीष के उस काम को जो कहीं भी प्रभु जी इस समय अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी फाइल मैं तेरा लहू उस पर लगा करना, मुआवजा करना को आशीषित। पास्टर चंद्र को मैं अपने आप अपने घरानों परिवारों को तेरे आगे लाते तेरे खून की ओर मुझे यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में ये दुआ मांगा। आमीन। जय मसीह।